In a game, five mice, A, O, B, R, and M, running through a maze that is connected to five boxes, 1, 2, 3, 4, and 5. The psychologist places each mouse in one of the five boxes. When a bell is rung, each mouse leaves its box, runs through the maze, and enters and re-enters one of the five boxes. At no point is there more than one mouse in any box. Simple ये कह रहा है कि एक भूल भुलैया है, मेज है, मेज में different रास्ते हैं, मेज के साथ five different boxes connect हैं. जब bell बजती है, mouse वहां से निकलते हैं, भूल भुलैया से गुजरते हैं, मेज से गुजरते हैं और किसी box में चले जाते हैं. फिर जब bell बजती है, वहां अपने उन boxes को छोड़ के किसी और boxes में चले जाते हैं. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुशायर हैदर. एनालिटिकल रीजनिंग के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे. आज हम जब बेल बजती है जो माइसिस है वो एक बॉक्स को छोड़कर दूसरे बॉक्स में जाते हैं. जब बेल बजती है फिर वो उस बॉक्स को छोड़कर किसी और बॉक्स में चले जाते हैं. जो आपको बॉक्सेस दिए गए हैं वो है 1, 2, 3, 4, 5 और जो चूहे हैं माइस हैं उनका नाम है ए ओ बी आर एम. एनालिटिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट देने के बाद फिर कुछ कंडीशंस दी जाती हैं और कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये आपसे सवालों के जवाब पूछे जाते हैं. क्वेश्चन में एक और चीज भी बताई गई है, वन माउस इज वन बॉक्स ओनली. यानी जो बॉक्सेज है 1, 2, 3, 4, 5 इनमें एक टाइम में सिर्फ एक ही माउस हो सकता है इनमें से कोई एक. अब कंडीशन क्या दी गई है एक्स्ट्रा. When bell is rung, any mouse placed in four always goes into two and vice versa. जब भी bell बजेगी जो four box में mouse है वो two में जाएगा. हमेशा हम conditions को short form में लिखते हैं ताकि हमें question solve करने में easy हो. जो four में हो वो two में जाएगा and vice versa. यानी कि जो two में होगा वो four में चला जाएगा. अब सेकंड कंडीशन देखें, व्हेन बेल इज रंग एनी माउस प्लेस्ड इन फाइव ऑलवेज गोज टू थ्री. जो फाइव में होगा वो ऑलवेज थ्री में जाएगा. ऑलवेज का मतलब है कोई और ऑप्शन है ही नहीं, हमेशा उधर ही जाना है. एंड वाइस वर्सा जिस क्या मतलब है, जो थ्री में होगा वो फाइव में चला जाएगा. दो कंडीशन हो गए. तीसरी कंडीशन देखे, एम जो माउस एम है इस नाइदर इन थ्री आर नार फोर. जो माउस है चूहा है एम माउस है ना, वो कभी थ्री बॉक्स में हो सकता है ना ही फोर में हो सकता है. हम इसे भी लिख देते हैं, जो एम है वो थ्री या फोर में कभी भी नहीं हो सकता. अच्छा नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, इफ बी इज इन वन, बी माउस है, अगर बी वन में हो, इफ जो बी है वो वन में हो तो आर इन टू, आर हमेशा टू में होगा. ये अब कंडीशन है, अगर बी वन में हुआ तो माउस बी माउस वन में हुआ तो आर को हमेशा टू में होना पड़ेगा. अगर एम टू में हुआ, इफ एम माउस इन टू, इफ एम इज इन टू आर इन फाइव, जो आर है हमेशा फाइव में होगा. अब ये कंडीशन है, इन्हें देखकर हमने सॉल्व कर लेना है. अब देखें क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइस आफ्टर दे हैव रन थ्रू मेज. बेल बजी है, माउसेस ने मूव किया है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स. अब बताएं कौन से बॉक्स में है. ये कंडीशंस को मैंने यहाँ लिख दिया. ये जो फर्स्ट टू कंडीशन है ये वैलिड ही नहीं है यहाँ. क्यों नहीं वैलिड नहीं है, हमें तो नहीं पता जब बेल बजी माउस पहले किस बॉक्सेस में थे, तो ये और ये तो फॉलो नहीं होती. अब इन तीन का रोल है वो देखते हैं. पहला ये है कि एम है वो थ्री और फोर में नहीं हो सकता, तो थ्री में और फोर में देखते हैं कहीं एम है. यहाँ एम आ गया थ्री में, ये तो नहीं हो सकता. एम कहीं फोर में है, एम फोर में है, तो ये भी नहीं हो सकता. यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी नहीं हो सकते. अच्छा एम की पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन है बी अगर वन में हो और टू में होना चाहिए. देखते हैं बी किसी वन में है, इसमें है लेकिन ये ऑलरेडी क्रॉस है. बी वन में आ गया, अगर बी वन में हो तो आर को टू में होना चाहिए. बी वन में है लेकिन आर टू में नहीं है, आर फोर में है, तो ये कंडीशन भी रॉन्ग हो गई. अब नेक्स्ट है, अगर एम टू में हो गई
एम टू में हो तो आर को फाइव में होना चाहिए। देखें बच्चे हैं दो, यहाँ एम टू में नहीं है, यहाँ एम टू में। अगर एम टू में हो तो आर को फाइव में होना चाहिए, लेकिन आर थ्री में, फाइव में नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। हमारे पास जो बचेगा वही हमारा आंसर है, अगर हम इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। पहला एम थ्री और फोर में नहीं होना चाहिए, न एम थ्री में है न फोर में है, ये कंडीशन मेट हो गई। नेक्स्ट है बी वन में हो तो आर टू में होना चाहिए, बी वन में है ही नहीं तो कंडीशन तो उसे पूरे नहीं होती। इस कंडीशन को देखें, एम टू में हो तो आर फाइव में होना चाहिए, एम टू में भी नहीं है तो ये कंडीशन से पूरी नहीं होती। मतलब ये इन पे कंडीशंस आखिर तो कंडीशंस वैलिड होते ही नहीं है इन पे। तो ये तमाम जो कंडीशंस है ई को सेटिस्फाई कर रही है, तो जो हमारा आंसर होगा वो ई है। अब सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, इफ एम इज इन टू आफ्टर द माइस हैव रन थ्रू द मेज, बेल बजी है, माउस जो है टू में आ चुका है, पहले किसी और में था, देन आर मस्ट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग बिफोर रनिंग। देखो एम की पोजीशन बता रहा है आफ्टर द रन, जब रनिंग हो गई तो एम टू में आ गया, लेकिन हमसे पूछ कर रहा है आर मस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग बिफोर रनिंग। तो यहाँ हमारे पास दो केस है, एक बिफोर का केस है और एक आफ्टर का केस है, तो इसे हम किस तरह करेंगे। देखें हमारे पास फाइव बॉक्सेस हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव हमारे पास आ गए हैं बॉक्सेस, इन्हीं में मतलब किसी न किसी पॉइंट पे होंगे। अब आफ्टर की क्या सिचुएशन बताइए, आफ्टर में उसने कहा है कि जो इफ एम इज इन टू आफ्टर द माइस हैव रन थ्रू, बेल बजी, माइस ने रन किया, अब कहां आ गया, माइस आ गया टू में, अब माइस टू में आ चुका है। पूछा उसने हम आर को भी उसने रिलेट किया था, हम आर को देखते हैं, अगर एम टू पे हो तो आर कहाँ होता है, ऐसी हमें कोई कंडीशन मिलती है, मिलती है, बिल्कुल मिलती है। एम इफ टू, अगर एम टू में होगा तो आर फाइव में होगा, जब बेल बजी एम टू में आया तो जो आर था वो आपका फाइव में आ गया। चलो ये तो हमें समझ आ गए, आफ्टर जब बेल बजी एम इधर में है आर इधर है, लेकिन उसने हमसे पूछा है बिफोर द रनिंग आर कहां में बताया, अब हम आफ्टर का देखते हैं। अब हम इनको रिलेट करेंगे, जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, क्या हमें ये आफ्टर की इंफॉर्मेशन देती है। अब टू में है रनिंग के बाद, रनिंग से पहले कहां होगा, देखें फर्स्ट कंडीशन, टू से हमेशा फोर में जाता है और फोर से हमेशा टू में जाता है, अगर एम टू में है तो बिफोर क्या होगा, बिफोर डेफिनेटली ये फोर से आया होगा, तो जो एम आया होगा वो फोर बॉक्स से आया होगा, ठीक हो गया। अब आर क्या है, आर अब फाइव में है, फाइव में है क्या, फाइव से रेलेवेंट कोई कंडीशन है, लिखा हुआ है जब जो थ्री में होता है वो फाइव में जाता है, जो फाइव में होगा थ्री में आता है, तो माउस अब फाइव में है, किससे आया होगा, डेफिनेटली थ्री से आया होगा, तो हमारे पास पोजिशन आ गई, बेल बजने से पहले आर और एम की पोजीशन ये थी और बेल बजने के बाद आर और एम की पोजीशन वो थी। अब उसने हमसे पूछा क्या, उसने हमसे पूछा है आर मस्ट विच हैव द फॉलोइंग बिफोर रनिंग थ्रू द मेज, रनिंग से पहले आर किस में है, रनिंग से पहले बिफोर रनिंग यहाँ है, बिफोर रनिंग थ्री में है और आफ्टर रनिंग फाइव में आ गया। अगर हमसे वो पूछ लेता आफ्टर ये कंडीशन दे देता, हमसे ये पूछ लेता, फिर भी इसी तरीके से हल हो जाता, उसने हमें ये कंडीशन दे के ये पूछ लिया, एक ही बात है। ये मुकम्मल कहने का मकसद ये है कि आप समझ लें किसी भी तरह से आ सकता है। अब आर है थ्री में, हमारे पास थ्री में कौन सा ऑप्शन है, हाँ थ्री में बिल्कुल हमारे पास ऑप्शन है, हम इसे टिक कर देंगे। अब आज करते हैं हम इसके थर्ड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखें, If A is in five, after the mice run through the maze, M must which have the following before running the maze? Running maze से run करने से पहले M किस में होगा? मतलब अभी running नहीं हुई, अब बताएं M किस में है? देखें हमें पता है कि जो M है, वो three और four में नहीं हो सकते। अगर यानी कि M थ्री और फोर में तो हो ही नहीं सकते, तो थ्री भी गया और ये फोर भी गया, अब ये दोनों चले गए। देखिए हमने देखा है थ्री
थ्री से फाइव में कब जाता है? हमेशा फाइव में थ्री से जाता है। अब अगर थ्री ही क्रॉस है, वो थ्री में है ही नहीं, तो अब डेफिनेटली वो फाइव में जा ही नहीं सकता, क्योंकि जब थ्री में नहीं है तो वो फाइव में नहीं जा सकता। अब देखें, हमने देखा कि एम फोर में नहीं है, और हमने कंडीशन ये पढ़ी है फोर से हमेशा टू में जाते हैं और टू से हमेशा फोर में जाते हैं। अब जो फोर में है ही नहीं तो वो टू में जा ही नहीं सकता, तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा वन। हमारा आंसर यही है। क्वेश्चन ये था, इफ ए इज एम एफ ए इज इन फाइव आफ्टर माइस रन थ्रू द मेज, एम मस्ट हैव बीन विच ऑफ द फॉलोइंग बिफोर रनिंग द मेज। हमारे पास ऑप्शन ए बचेगा, क्योंकि इस इन तीन कंडीशंस की वजह से एम की सारी पोजीशन कैंसिल हो गई है, ये हमने कर ली है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे वो है हाउस मॉडलिंग टाइप, मतलब डिफरेंट तरह के आपको मॉडल्स दिए जाते हैं और डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशंस दे दिए जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एट द एंड आपको यही कहूंगा, अगर आप सी एस एस पी एम एस के स्टूडेंट और डिफरेंट अकेडमी के हेल्प से सपोर्ट नहीं कर सकते तो सिंपल हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाए, आपको बहुत आसानी होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।